FalinStar Gaming, more like Rising Star। ये बंदा लिटरल चार बंदों को भगा भगा के मारता है और ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है। और भाई मजाक से हट के ये इतना बाप प्लेयर है ना, तुमको आज मजा आने वाला वीडियो। अगर तुम चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नोटिफिकेशन बेल के साथ। एंड इसे शुरू करता आज की मजेदार वीडियो। अब भाई इस बंदे की कॉमेंट्री बाप लेवल की है। यहाँ पे रश हो गया इस पर। यहाँ पे इसके बाद देखो MK14 है ऑटो पे। तुम MK14 के अगेंस्ट ऑटो पे अगेंस्ट TP पे क्यों घुस रहे हो भाई? UMP भी स्पेस में डैडी गन है भाई। क्लोज रेंज में तुम 10 बंदे 100 बंदे आ जाओगे ना, इसके आगे नहीं मार पाओगे भाई। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया एक मौका IPL मैच को VIP की तरह देखने के लिए। जी आपको मिल सकती है VIP की कपल ऑफ टिकट सिर्फ ₹1 में। चलिए बात करते हैं कैसे आप जीत सकते हो 2 VIP मैच टिकट। 7 अप्रैल को इंडियन T20 लीग का मैच है लखनऊ और हैदराबाद के बीच। मैच अपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से My11Circle पे जाओ और उधर जाके अपनी टीम बनाओ। ये भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और पाओ 15 अप्रैल के लखनऊ वर्सेस पंजाब मैच के लिए 2 VIP टिकट्स और फुल्ली पेड ट्रिप टू मैच लोकेशन के साथ। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ ₹1 और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ लखनऊ वर्सेस हैदराबाद मैच के लिए वैलिड है। सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए जो मेरे लिंक से एक्टिवेट होगा। टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और सेकंड प्राइज आने पाओ ₹1 करोड़। तो सोचो अगर फर्स्ट प्राइज आया तो कितना बड़ा इनाम मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो और यूज करो मेरा कूपन कोड। तो डिपॉजिट करते ही मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश और साथ ही मिलेगा 1500 का बोनस। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके My11Circle को डाउनलोड करो और अपनी टीम बनाओ लखनऊ वर्सेस हैदराबाद मैच के लिए। उसकी गने तो देखो दोस्त, MK14 UMP भाई जो मारा है वो भी माय फ्रेंड। भाई साहब मजा आ गया। एंड अगर आपको मजा आया तो लाइक वाला बटन दबा देना। और हाँ मैंने कहा एक इमोट तो बनता है यार, आधे हमारे अगले क्लास के ऊपर। अब यहाँ पर आपके भाई को दोनों साइडों से घेरने की कोशिश की जा रही थी। मैंने कहा एक साइड पुश करते हैं। ये जॉर्ज पुल के फाइटर राइट साइड प्लेयर आया, उसको नॉक किया। पीछे से एक बंदे ने प्रीफायर मारा है, M762 लेके आ रहा है भाई। अब देखो जॉर्ज पुल की फाइट में ना बंदे इधर उधर से बहुत कूद जाते कंटेनर के ऊपर से, तो तुमको इधर बहुत स्मार्टली और बहुत तेजी से खेलना होता है भाई। कंटेनर के आगे पीछे रिंगा रिंगा रोजेस खेलना होता है, बंदों को कंफ्यूज करना होता है और अपने TPP के फेवर में ऐसे आके बंदों को मारना होता है। किट मार लेते हैं, इनके 2 बंदे रहते हैं। दोनों बंदे इनको बचाने के लिए यहाँ पर आते हैं। पहले तो मैं आग के ऊपर माइक कर लेता हूँ थोड़ी इनकी गुफ्तगू के लिए, लेकिन जल्दी इनके बंदे यहाँ पर आ जाते हैं इनको बचाने के लिए। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं इनको। अब देखो रो रहे होंगे ना कि भाई देखो ये बंदा मारो इसे, बचाओ इसे। ओके तीसरा प्लेयर गया पे, आखिरी प्लेयर बचा है भाई। ऐसे किस्तों में आओगे तो किस्तों में ही जाओगे भाई, तुम साथ में आओगे तो एक बार मौका दे भाई। इसको बोलते हैं प्रीफर हैक। यहाँ पर 1v4 हो जाता है आपके भाई का। भाई, सच भाई, में हैक मत समझना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्लच के ऊपर। ये क्लच मिलिट्री बेस के अंदर होने वाला है। यहाँ पर भी आपके भाई को घेरा जा रहा है दोनों साइडों से। तो मैंने सोचा एक साइड से शायद मैं किसी को नेट से नोक दे दूँ, सो मैं यहाँ पर नेट करता हूँ। अब भाई एक्चुअली अगर तुम ध्यान दो तो इसका सेटअप बहुत नॉर्मल है, लाइक नॉर्मल क्लॉथ सेटअप है, ठीक है। लेकिन मोस्टली इसका गेम प्ले IQ का है। यहाँ पर भैया फुल साइड टाइम पे चालू है। सही चीज करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस गेम में। गन गेम आता रहेगा भाई, IQ सबसे इंपॉर्टेंट होगा। सामने वाला प्लेयर भाई दो भाई तोड़ के मार सकता था भाई इसको, इससे जो मारा जाके उसे एक बंदा शायद अपने ही टीममेट को नॉक कर देता है। खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ पर बाकी 3 बंदे बचे हैं तो इनको हम मार लेते हैं। उनका टीममेट अपने बंदे को नॉक कर देता है क्या? नेट वेट फाड़ दे किसी के ऊपर, पता नहीं दो शायद से लग रहा है। ओके आप UMP है भाई पे। देखो UMP अगर तुम्हारे पे तो तुम समझ लो तुम्हारे पे वन ऑफ द बेस्ट गन है गेम में। फिर तो तुम्हें कुछ लाइक रोक ही नहीं सकता है। जो टर्मिनेटर टाइप बस बंदे मारते हैं। रिवाइव मिल रहा था तो मैंने कहा यार चलो यहाँ पर नेड मोली वगैरह जो उसको करके देख लेते हैं, शायद कुछ काम बन जाए। ओके भाई मोली निकाली इसने, ये फेंकी मोली उठा करके आगे। अब यहाँ पर मेरे पास काफी ज्यादा मोलिया थी, बोरी भर के आपका बोरी भर के ओ भाई 1 HP भाई ये जला डालेगा भाई उनको। ये मुर्गा यहाँ पर डालेगा भाई, हो गया। तो चलो यार चाह करना इसकी तगड़ी कबाब बनाते हैं। ओ भाई 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 वो चल गया भाई, उसका टीममेट आ रहा है। प्रीफायर मारा M416 का, डैमेज पड़ा था उसे। ओ भाई जरा थम जा। खैर ये लास्ट बंदा था, मैंने कहा भाई इसको फुल पुश करके मारेंगे, किधर तक भागेगा है भाई। मैं कह रहा हूं ना भाई घुस घुस के मारता है भाई बंदा। भाई साहब क्या बढ़ते हमारे क्लच के ऊपर। एंड ये डायलॉग बढ़िया है यार। 38 बुलेट्स में ही होने वाला तकरीबन। देखना भाई यहाँ पर बंदे आए फ्री फायर। ओके एक बंदे को नॉक किया। DP28 है भाई। DP28 का फ्री फायर वन ऑफ द बेस्ट है इस गेम के अंदर। चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ भाई भाई भाई। बढ़ते हमारे अगले क्लच के ऊपर। तुमने मॉडल से देखा ही होगा भाई, बहुत बाप आपके भाई के हाथ में है नेट। एंड बाहर से बंदे आ रहे हैं तो मैंने कहा नेट ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है नेट से नोक हो जाए। राइट साइड फेंकेगा ये। अरे कोई बंदा नहीं है, जरूरी नहीं हर नेट लगे, ये वाला नेट लगेगा देख लेना क्योंकि ये बाहर कराने वाला हूँ। बंदा बाहर है। बूम ओके तो आप पुश करते हैं। पता नहीं था बंदा बाहर, मुझे लगा अंदर है। बंदा वहाँ पे TP भी ले रहा है। यहाँ पे फ्री फायर मार के नॉक कर सकता है उसने, क्या उस कारल चला रहा है। अरे स्कैम स्कैम भाई साहब, किस्मत ने मेरी साथ। ये बहुत क्लोज था, कहता हूँ मजा आ गया मुबशिर पुत्र। अब लास्ट बंदा जो था ना इनका, काफी सहमा हुआ था, डरा हुआ था, एंड मैं उसको यहाँ पर डरा हुआ था सही में भाई से निकलता है। हाँ ये भाई साहब ग्रोसर उठा के पेल दिया उसे। लेट्स गो, कितना ज्यादा क्यूट था। आते हमारे अगले क्लच के ऊपर, एंड यहाँ पर भाई साहब कतई गलत सीन होने वाला है सामने कर भी। ओ भाई बिल्कुल प्रो बन रहा है यार, इसकी कमेंट्री बहुत मजेदार है, मुझे बहुत पसंद आया। नाइस ओके भाई, वो रश कर रहा है भाई। ओके उसको नॉक किया, लेट्स गो बचे। जल्दी से यहाँ पर किट लगा लेते हैं, एंड अब ये अरबी अपने टीममेट्स को बुलाता है। देखो यूजुअली एक बंदे को नॉक करो और बस वेट करो, वो रो रो के अपने टीममेट्स को बुला लेगा। भाई आगे उसके टीममेट आगे बच्चों के लेके आगे अपने टीममेट्स को बुला लिया। मुझे बोला था रुक मेरे बंदे आ रहे हैं, मैंने कहा आ जाए तेरे बंदे देख लेते हैं। एंड इसके बंदे ये रूसोफ वाली कैप कौन सी है, अच्छी कैप है यार, ये कुछ देखा नहीं मैंने आज तक। ओके दो प्लेयर भाई मुंह पे एक साथ रश कर रहे हैं, एक को पीछे मारा। टॉमी निकाले, टॉमी से एक बंदे को नॉक किया। देखो टॉमी बड़े डेंजरस है भाई, टॉमी से पंगा नहीं लेने का भाई। टॉमी भाई सबसे पुरानी बाप गन है भाई। गाइस ये वाला जो क्लच होने वाला है ना, ये क्लच नहीं है असल में, 4 किले। ओके ओ ये स्पाइडरमैन का बच्चा कहाँ से आया यार, मतलब ये 3 बंदे एक ही टीम के हैं एंड एक अलग टीम का है भाई। वो मोगी आप इसको 1v4 भी कह सकते हो, आपस की बात है। अब इसको मैंने लो कर दिया था तो मैंने कहा पुश कर लेते हैं। ओके अब यहाँ पे MK14 लेके रश कर रहा है, ऊपर बंदा भाई के स्नेर पे। भाई एमके से कैसे बचोगे, आपको पता ही नहीं क्या हो उसकी जिंदगी में। एंड सामने स्कार्ड हाउस के अंदर जो प्लेयर है ना भाई, कतई पिरो लौंडा है। आप लोग देखना यहाँ पर वो कुछ उल्टी हरकत करेगा, मेरे को लग रहा है वो कुछ नाचेगा पाचेगा कुछ, तो हाई हाई के दिमाग लगाएगा जिसकी वजह से बहुत गंदा मरेगा वो। वो ज्यादा स्मार्ट खेल रहा है, वो पीक ले रहा है जबरदस्ती का। अपने टीममेट को बचाना है तो बचा लेना भाई, ये क्या पीक लेके एक्टिंग कर रहा है जैसे उसको लग रहा है कि इस गोली में कोई आके मर जाएगा। अपने टीममेट्स को बचाने की एक्टिंग कर रहा है ये नोबडी, उसको बचाने का मूड नहीं है। इसको मारने की चस ही अलग थी, क्या बताऊं लोगों को। अब इसका जो तीसरा बंदा वो भाई साहब आ चुका है, वो कहां छोड़ा हुआ है। अरे सस्ता स्पाइडरमैन भाई साहब, लोबी यहां पर क्लच हो जाता है आपके भाई का। बट हमारे अगले क्लच के ऊपर, एंड ये क्लच किसी गलती की वजह से फेल होने वाला है। क्या पे एक है भाई के पास प्रीफेयर मारेगा तो बस जाएगा बंदा। एक बंदा भाग के आया, वाओ इस बंदे को मैंने बहुत डैमेज दे दिया भाई, लेकिन फिर भी मुझे इतना ज्यादा डैमेज कैसे दे गया समझ से बाहर है भाई। क्या रिफ्लेक्स हेड मार दिया उसने भाई उठा करके। यहां पर हील कर लेते हैं, एंड इसके बाकी के प्लेयर आ रहे थे, सोचा यहां पर मौली कर देते हैं। ये बहुत डेंजरस मौली है। ओके मौली गई, ये अच्छी मौली है एक्चुअली में भाई, वो आग वाग में जल गया भाई। अब एक बंदा फिनिश हो गया, अगर मर गया 3 बंदे बचे हैं, एंड ये स्पाइडरमैन बन गए। ओ भाई ये ऊपर से क्या आया भाई, इसको हेड पर गया। ओके एक और प्लेयर ऊपर गया, एक और बंदा आ रहा है इसके ऊपर से जल्दी से। एक और प्लेयर ऊपर गया शायद से, पता नहीं दो शायद से ऊपर आ रहे, कुछ कह नहीं सकते भाई क्या कर रहे। वो आया प्लेयर सामने से, एक और गया आखिरी प्लेयर के लास्ट बंदा प्रीफायर मारते। अरे नहीं भाई देखो यार अगले प्लेयर भी खेलने वाले हैं, अच्छा खेला उसने। बात है खैर यहां पर आपका भाई ट्रिक लगाकर ऊपर चढ़ा, ट्रैम्पोलिन से कूदा है। 3 बंदे थे इस बिल्डिंग के अंदर, तो मैंने कहा मैं बहुत नूबड़ी की चीज है भाई, तुम कहीं से कहीं कूद सकते हो भाई इससे। अब ये बंदा नेट या स्मोक की पिन कुक करता है तो मैं डर के मारे पीछे आ जाता हूँ भाई, मेरे को डर लगता है नेट से। नेट सीधा यहाँ दरवाजे पे मुंह पे आकर पड़ता, आपको भी पता है, और इन अरबियों के नेट से अल्लाह बचाए। यार यहाँ पर ये बंदे ओके एक बंदे को नॉक किया, दूसरा किधर है, आजा आजा। एक और प्लेयर है वो भी गया, तीसरे प्लेयर को प्रीफायर मार रहा है, डर चुका है वो नूबड़ी का। आपने प्लेयर को रिवाइव देने भाग गया, मुझे लगा उस साइड है, वो रिवाइव देने गया अपने टीममेट को, और कुछ नहीं है, डर के मारे रिवाइव देने गया है भाई। अंदर घुस कमरे के रिवाइव देता तेरे को जल्दी से। ये प्लेयर काफी घबराया हुआ है भाई, ये पैनिक कर रहा है भाई, वो नाच रहा है इधर से उधर डर के मारे भाई, उसे पता ही नहीं क्या करना है। उसके टीममेट उसे गाली दे रहे हैं, बचा मेरे को, क्या कर रहा है तू, जोन आ गया बचा मेरे को। वो भाई कूद गाद गया भाई, वो कूद गया नीचे ही। आजा भाई अरबी कहीं से भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं रैंडम नेट कर देता हूँ। ओके अब एक नेट फेंका उसने, एक और नेट फेंका है, ये अच्छा आइडिया है। उसने नेट को वहां से एंगल बना के नीचे स्टेयरकेस की तरफ फेंक रहा है वो। ये गाइस एक बंदा नेट में आ गया। ओके एक हमको प्रीफायर मारा है, एक और बंदा गया, 2 बंदे भाई साहब। जेसिका यार ये लड़की थी क्या, इतना अच्छा खेल रही भाई साहब। अब यहाँ पर मेरी वेस्ट जो है बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, हेलमेट पहले से ही डैमेज था, मैंने कहा पुश करते हैं। ओके आखिरी प्लेयर यहाँ पे नीचे से ऊपर आ रहा है, 3 प्लेयर गए, आखिरी प्लेयर 1v4 हो सकता है क्या यहाँ पे। और भाई कितने बंदे मार दिए, अभी गो टू लॉबी माय फ्रेंड्स। गाइस रिवाइव हो गया भाई, पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक। टीमर बचा था, मैंने कहा नेट करते हैं, एंड यहाँ से इनका एक टीममेट नेट से फिनिश हो जाता है। ओके एक बंदा फटा, ये गाइस तो ये था टॉप 1 रैंकिंग वाला प्लेयर एंड अभी इसका पीओवी आपको मैं दिखाऊंगा। और हाँ, FalinStar जो है ना वो रैंकिंग पुश नहीं करता, लेकिन रैंकिंग पुश करने वाले अरबियों में क्लच करता है। अब यहाँ पर इनका जो चौथा बंदा था, जैसे ही मैं पहला बंदा नेट से नॉक करता हूँ तो वो बगी लेकर ना रिकाल के ऊपर भाग रैंक पुश नहीं करता, लेकिन रैंक पुश करने वालों पे रश करता है यार। ये क्या गजब है कमेंट पीओवी के ऊपर। अब ये लोग गाड़ी और बगियां लेकर मेरे ऊपर कतई गलत पुश करते हैं। अच्छा ये उसका पीओवी है शायद से उस स्ट्रीमर का। والله يسيك حميناها اوف नेट से। अब ये लोग यहाँ पर थोड़ा हंस मजाक कर रहे थे, इनको लगा खैर नेट से नॉक कर दिया होगा। दो प्लेयर ले गया भाई FalinStar, सारा शॉट वो भाग रहा है वो। जब मैं दूसरे को LMG मारता हूँ ना तो भाई इनका रिएक्शन देखो। عندي فوت لجوا فوت لجوا فوت لعندي لهون ما عليك لانه حيجي يرمي من هونيك। ايوه भाई वो लोग वो रिवाइव दे रहा है अपने टीममेट को, लेकिन मुश्किल है थोड़ा। दोस्त नेड आया फटा इसका टीममेट, अभी यहाँ पे जाएगा। हाय भाई भाई उसको जो मारा है पकड़ी FalinStar ने। नाइस। तो क्या ये थे तुम्हारे FalinStar गेमिंग भाई, जरूर जाके भाई को सपोर्ट करना। और भाई जाते जाते बता देता हूँ भाई कि तुमको 2 VIP टिकट जीतने का तुम्हारे पास मौका है लखनऊ वर्सेस पंजाब के मैच के लिए, जो कि 15 अप्रैल को है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपए सेकंड प्राइज आने पे। तो सोचो फर्स्ट प्राइज आने पे कितना बड़ा इनाम मिलेगा। अबाउट 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन फर्स्ट डिपॉजिट एंड 15% बोनस कैश। My11Circle का डिस्क्रिप्शन और पिन कोड में मिल जाएगा। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I need all of you to stop what you're doing and listen.